ना वॉट हैपन टूडेज़ की आज एक बहुत बड़ा गैप हुआ आई थिंक कुछ नाइन्टी uh, पॉइंट्स का गैप अप खुला इफ आई एम नॉट रॉन्ग ओके एंड वॉट हैपन आफ्टर नाइन्टी पॉइंट्स का गैपअप मैंने नोटिस किया कि देखो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अगेन ऑपोजि डरेक्शन में मूव करे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी पहले ऊपर गया फिर नीचे नीचे आ रहा था और निफ्टी पूरे दिन ऊपर ही जा रहा था ओके फर्स्ट हाफ अगर आप देखोगे तो फर्स्ट हाफ द रीज़न वाई यू नो निफ्टी कैप्ट गोइंग अपंस बट देन इफ यू गाइज कैन सी क्लियरली कि आज क्या हो रहा था कि सिंस निफ्टी आई टी के स्टॉक्स ओके नॉर्मली जिनको नहीं पता है ये मैं उनको बोल देता हूँ कि जब भी निफ्टी आई टी स्टॉक्स में रैली होती है उस दिन बैंक निफ्टी को नीचे रखा जाता है बिकॉज देट इज़ नॉट इंडेक्स मैनेजमेंट इज बेसिकली क्योंकि अगर क्योंकि निफ्टी आई टी के स्टॉक्स काफी यू you नो know, इंडेक्स हेवीवेट स्टॉक्स है अगर आप देखोगे तो टी सी एस है इन्फोसिस है ये इंडेक्स हेवीवेट स्टॉक्स है अगर इसमें बाइंग हो रही है मतलब निफ्टी ऊपर रहेगी राइट तो कुछ कोई तो इंडेक्स को नीचे रखना पड़ेगा ओके okay, सो so अगर निफ्टी आई टी भी ऊपर है और बैंक निफ्टी के सारे स्टॉक्स भी ऊपर है फिर तो फिर मार्केट रैली करते जाएगी राइट सो दैट इज एग्जैक्टली वॉट एक एक बहुत जनरल आइडिया है इंडेक्स मैनेजमेंट का जो बहुत टाइम से हो रहा है कि जब भी निफ्टी आईटी के निफ्टी आईटी में अगर आपको एक बहुत बड़ी रैली दिखेगी Then उस दिन बैंक निफ्टी जनरली डाउन रहता एनसो दिस वॉट वर वी एक्सपेक्टिंग दिस ट्रेंडिंग डे टूडे नहीं हम लोग ये ट्रेंडिंग डे एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहे थे नो डाउट बैंक निफ्टी में हमने आज ये, ये फॉल कैप्चर किया बट हम लोग यहां पर निकल गए थे टारगेट वॉज दिस इसके नीचे हम लोग बिल्कुल फॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ओके इवन निफ्टी निफ्टी हम आपको स्टोरी बताते हैं हमारे साथ भी यू you नो know, बहुत अच्छे अच्छे सीनैरियोज होते हैं नाउ वी हैड अ पुट शॉट यहाँ पे हमने किधर एक पुट शॉट लिया था सॉरी uh, यहाँ पे हम लोग ने किधर पुट शॉट लिया था वेन यू नो मार्केट्स व जब इसका ब्रेक डाउन आया था तभी ठीक है नाउ वी हेल्ड ऑन टू दैट ट्रेड फॉर फाइव आवर्स यू डोंट बिलीव हम लोग ने पाँच यहाँ तक ये यह ट्रेड को राइड किया जब यहाँ पे भी हमको दिखा कि नहीं मार्केट अब ब्रेक नहीं कर रही है दैट्स वन वी एग्जिटेड द ट्रेड बिकॉज वॉट वॉज आर एक्सपेक्टेशन फॉर द डे वी आर एक्सपेक्टिंग कि ऐसे मार्केट ऊपर गई है फिर नीचे जाएगा एटलीस्ट यहां पे अगर हिट हो गया तो हमारा एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट तो हिट हो जाएगा ओके सो यहां पे जब एक अच्छी कैंडल बनी तो हमको लगा कि नहीं अब ये यहां पे सपोर्ट ले रहा है देन हम लोग को एग्जिट कर देना चाहिए ट्रेड से यू वन बिलीव हमारा एस हमने रेड्यूस किया था फर्स्ट हमारा एस एल पॉइंट्स था फिर उसको रेड्यूस करके हमने ट्वेल्व या टेन पॉइंट्स पर ला दिया था ओके okay? जैसे हमने एग्जिट किया एंड रेस्ट इज हिस्ट्री वोट वो हमारा मतलब वो हंड्रेड एंड सॉरी नाइन्टी टू uh, पे लिया था हम लोग ने वो नाइनटी एटी नाइन से नाइन टू का एवरेज बाइंग प्राइस था उसको हमने एग्जिट किया अराउंड कॉस्ट uh, प्राइस पे एंड देन जैसे ही वो नीचे गई हमारा टारगेट कुछ वन फिफ्टी था फाइनल वो टारगेट पर हिट हो गया इनफैक्ट इतना बड़ा सेल ऑफ है मार्केट में ओके नाउ द रीज़न वाई वी एग्जिटेड एट ट्रेड इज बिकॉज इट वॉज अ लॉन्ग टाइम फोर आवर्स एक ट्रेड के लिए वेट करना नो डाउट पेशेंस गेट्स रिवॉर्डेड हमको बहुत बार रिवॉर्ड ही किया रिवॉर्ड भी किया नो डाउट बट देन फोर आवर्स इज अ टू मच टाइम फॉर अ ट्रेड टू होल्ड अगर आप सुबह नाइन थर्टी टेन ओ क्लॉक को ट्रेड लेके बैठे हो और अगर आप टू फिफ्टी टू थर्टी को क्लोज करो गो ऑन इज रीजन यू नो वी एक्ट दैट ट्रेड एंड फिर मार्केट नीचे गई नो डाउट बहुत बुरा भी लगा बिकॉज इट्स एस एल हिट होने से ज्यादा दुख जो मैंने आज थिंक सबको बोला भी आज की एस एल हिट होने से ज्यादा दुख अर्ली एग्जिट का होता है इसके नगरी एज वेल एसेल हिट होने का उतना दुख नहीं होता बिकॉज ठीक है हमारी एनालिसिस रिस्पेक्ट नहीं की मार्केट ने और एसेल हिट हो गया दैट इज फाइन यू हैव टू एक्सेप्ट बट अगर आपका ट्रेड राइट right है आपने जस्ट बिकॉज मार्केट मूव नहीं कर रही है दट इज वाई वेन यू एग्जिट देन वो थोड़ा हर्ट ज्यादा होता है एक्जैक्टली exactly हमको भी हर्ट होता है बट देन इट्स नथिंग लाइक दट यू हैव टू मूव ऑन ठीक है मार्केट्स हमेशा रहेगी ठीक है ऐसे नहीं कि एक ही दिन ट्रेंडिंग मूव आएगा ट्रेंडिंग मूवस आते रहेंगे मार्केट में ठीक है बट दैट इज वॉट हैपंड सो इट्स नॉट दैट यू नो हमको एवरी डे प्रॉफिट होता है ऐसा नहीं है येस नो डाउट भी एंडेड इन ग्रीन टूडे बिकॉज हमने बैंक निफ्टी का फॉल कैप्चर किया निफ्टी भी एक्सडेड एट कॉस्ट टू कॉस्ट ओके सो इट वॉज एन अनएक्सपेक्टेड ट्रेंडिंग डे व्यू आर नॉट नॉट एक्सपेक्टिंग इट बट वी वी गॉट अ ट्रेंडिंग डे ना देखते अब कल क्या हो सकते हैं पहले देख ले निफ्टी में नो डाउट नाइनटीन थाउजेंड फोर ट्वेंटी जैसे ब्रेक हुआ वी गॉट अ गुड फॉल इनफैक्ट uh, यहाँ पे थ्री पी एम का भी काफी अच्छा सैलऑफ आया बैंक निफ्टी क्लियर कट वॉज अ सेल फोटी फोर्टी फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड के नीचे इट वॉज अ क्लियर कट सेल अगर आप देखोगे ना ये लेवल्स मैंने कुछ फ्रेश ड्रॉ नहीं किए ये जो कल मैं ड्रॉ करके गया था वो सेम लेवल्स है ओके फोर्टी फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड को यहाँ पे रिस्पेक्ट किया और फिर नीचे नीचे गई मार्केट अ फर्स्ट आई मीन आर एक्सपेक्टेशन वॉज अ वो बिकॉज ये जो मूव जो आज आया हम लोग एक्सपेक्ट करे थे कि कल आएगा क्यों क्योंकि जनरली मंथली एक्सपायरीज को एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव देखने मिलता है आपको एंड यू आर एक्सपेक्टिंग अ बेरिश एक्सपायरी ओके बट ये आज ही वो मूव आ गया तो लेट्स सी कल क्या होता है वो बाद में देखेंगे ओके बट फिन निफ्टी जिन्होंने भी ट्रेड किया मैंने इसका चार्ट डाला था फिन निफ्टी वॉज वन ऑफ द क्लीनेस्ट चार्ज फॉर यू का स्टूडेड अगर किसने ट्रेड लिया है देन इट्स अ वेरी गुड डे वाई बिकॉज सिंपली अगर आप देखोगे यहाँ पे बीच में था कुछ ट्रेड लेने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे योर रिस्क टू रिवॉर्ड वॉज वेरी फेवरेबल योर रिस्क मतलब यहाँ पे आपका uh, रेजिस्टेंस आपका एसएल हो सकता था अगर आपने कुछ पुट बाय किया है देन योर फर्स्ट टारगेट आप ये सपोर्ट रख के चल सकते थे या जो भी आपका एसएल है इन टू टू मतलब समझो अगर आपने एसएल एल टेन पॉइंट्स रखा है तो आपका टारगेट एटलीस्ट ट्वेंटी पॉइंट्स रहना चाहिए अगर आपको लॉन्ग टर्म uh, इस गेम में रहना है तो एंड यू कैन यू यू कैन एग्जिट योर ट्रेड एट फर्स्ट अगर देखो भाई यहाँ पे पहली बात एक अच्छा रिजेक्शन भी लिया मार्केट एंड यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट भी लिया मार्केट एंड फिर एक अच्छा ब्रेकडाउन एट टू पी एम टू पी एम का ब्रेकडाउन इज वेरी सरप्राइजिंग बट नो डाउट मार्केट्स है सरप्राइज करेंगे जरूरी नहीं है कि एवरीडे मार्केट्स आपके एक्सपेक्टेशन या आप, आपके एनालिसिस के हिसाब से चले ओके okay? तो ये हुई आज की बात ट्रेंडिंग डाउन साइड डे नाउ लेट्स लुक एट व्हाट कैन हैपन टुमारो नाउ देखो ये जो मूव था ये कल एक्सपेक्ट करे थे इसका मतलब ये नहीं कि कल एक डाउन मूव नहीं आ सकता कल भी एक डाउन मूव आ सकता है बट उसकी प्रोबेबिलिटी अब थोड़ी कम बनती है कब कब आएगा डाउन मूव आपको क्लियरली बता देता हूँ अभी पहले हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसिस मार्क कर लेते हैं no नो डाउट हमारा एक अच्छा रेजिस्टेंस तो ये बन के आ रहा है आने वाले दिनों के लिए ओके okay, ये अभी एक स्विंग हाई

एंड यूर सपोर्ट गोड भी नाइनटीन थाउजेंड थ्री हंड आई थिंक काफी दिन से बोल के आ रहे हैं कि जब नाइनटीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड ब्रेक होगा तो हमको एक अच्छा डाउनफॉल देखने मिल सकता है लेट्स सी इफ दैट हैपन्स टुमारो बिकॉज अगर नाइनटीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड के नीचे कल मार्केट निकलती है आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी बिग आई मीन कल भी एक ऐसा ही ट्रेंडिंग डे आपको मिल सकता है कल मार्केट में इफ वी स्टार्ट ट्रेडिंग बिलो नाइनटीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड टू सिक्सटी के नीचे तो नो no डाउट आपको बुलिश रहना ही नहीं है मार्केट में ओके टू okay, सिक्सटी के नीचे देर इज नो सपोर्ट फिर एक स्विंग लो टूटेगा ठीक है जब भी एक स्विंग लो टूटता है यू हैव टू बुलिश हो गए आई डोंट नो वॉट इज बिहाइंड बिहड बुलिश इफ यू नो स्विंग लो ब्रेक्स ठीक है तो कल टू लेवल्स एट यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट इज नाइनटीन थाउन्ड थ्री हंड्रेड एंड नाइनटीन थाउजेंड टू सिक्सटी इफ मार्केट्स आर ट्रेडिंग बिलो नाइनटीन थाउजेंड थ्री हंड यू डू नॉट द मार्केट ओके नाउ लेट्स लुक एट बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी वॉज अगेन अ गुड सेल ऑफ अगेन यहाँ पे लेवल्स exactly को रिस्पेक्ट किया मानना पड़ेगा आज ओके बट वी कुड नॉट कैपिटलाइज ऑन दिस मूव ठीक है तो हम लोग कुछ बोल नहीं सकते क्यों ना हमने पूरा मूव कैप्चर किया बिकॉज हमने किया ही नहीं कैप्चर हमने यहाँ तक ही कैप्चर किया ओके ना कल का रेजिस्टेंस अगर मेरे को देखना है तो कल का रेजिस्टेंस इज नो डाउट हमारा ये जो अब सपोर्ट का काम कर रहा था ये अब रेजिस्टेंस हो गया है मतलब फोर्टी फोर थाउजेंड थ्री फिफ्टी सिक्स बिकम्स अ गुड सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस फॉर अस एंड व्हाट विल बी आर नेक्स्ट रेजिस्टेंस अगर कल मार्केट बाई डिफॉल्ट ऊपर भी जाती है तो कोई अच्छा मीनिंगफुल रेजिस्टेंस आप इसको ले सकते हो ओके फोर्टी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड इट्स अ काइंड ऑफ अ साइकोलॉजिकल नंबर इज वेल ओके सो फोर्टी फोर थाउजेंड थ्री फिफ्टी इज योर फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड फोर्टी फोर थाउजेंड वन फिफ्टी बिकम्स योर फर्स्ट सपोर्ट ओके इसके नीचे अगर कल मार्केट निकलती है ठीक है देन यू कैन एक्सपेक्ट अगेन अ गुड सेल ऑफ एंड फोर्टी थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड भी आ सकता है मार्केट में ओके नाउ लेट्स लुक एट फिन निफ्टी अगर किसको फिन निफ्टी ट्रेड करना है तो फिन निफ्टी भी अगर आपको ट्रेड करना है तो फिन निफ्टी में उसको मैं फिर से थोड़ा अच्छे से मार्क कर लेता हूँ फिन निफ्टी में योर नेक्स्ट सपोर्ट नो डाउट बिकम नाइटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड ट्वेल्व नाइटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड पकड़के चल सकते हो इज टू बी अ वेरी गुड सपोर्ट ओके एंड योर रेजिस्टेंस नाउ रेजिस्टेंस देखो अभी ये भी एक रेजिस्टेंस हो सकता है नाइनटीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड बट ये अगर कल गैप डाउन खुलता है देन ओनली इट कैन एक्ट एज अ गुड रेजिस्टेंस ओके अगर कल कल सीनेरियोज बाद में डिस्कस कर ले बट नाइनटीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड इज योर फर्स्ट रेजिटेंस एंड नाइनटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इज योर फर्स्ट सपोर्ट इन फिन निफ्टी ओके नाउ तुरंत चर्चा कर लेते कि अभी कल कैसे खुलेगा मार्केट अगर देखो कल गैप डाउन खुल रहा है मार्केट ओके एंड कल अगर 19,300 के नीचे चल रहा है मार्केट देन वेट करो यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट योर फर्स्ट टारगेट टू बी 19,260 नाउ कल अगर गैप अप खुलता है मार्केट ओके okay? कल अगर गैप अप खुलता है मार्केट देन डो नॉट एक्सपेक्ट एनी यू कैन से वो गैप अप होल्ड नहीं करेगा हमारे हिसाब से वो गैप अप तुरंत सेल ऑफ हो सकता है तो अगर कल मार्केट यहाँ पर भी खुलता है देन आपको पता है कि आपका रेजिस्टेंस क्या रहेगा एटी ठीक है मार्केट ट्रेंडिंग बुलिश कब होगा मार्केट ट्रेंडिंग बुलिश तब होगा अगर 19,450 ब्रेक होता है देन ओनली ओके उसके पहले आई डोंट थिंक सो कॉल राइटर्स जो यहां पे जो इतने दिन से होल्ड कर रहे थे मार्केट को वो लोग जाने देंगे वो लोग पैनिक तब करेंगे अगर फोर्टी नाइनटीन ब्रेक होता है तो सिमिलरली बैंक निफ्टी का भी कल मैंने बताया था कि जब तक नाइन फोर्टी फाइव थाउजेंड ब्रेक नहीं होता तब तक यू नो कॉल कॉल राइटर्स पैनिक नहीं करेंगे एंड दे डिड नॉट पैनिक एट ऑल जबकि मार्केट यहां से यहां तक चली गई है ओके इनफैक्ट पुट राइटर्स पैनिक हो गए जो यहां पे पुट राइटिंग करके गए थे आज ओके okay, सो so, uh, अगर कल कल का सिनेरियो निफ्टी में सिंपल है कल अगर गैप डाउन खुलता है द के नीचे इफ इट्स सस्टेनिंग वी विल बी बेरिश वी विल ओनली बी बुलिश मे बी इफ नाइनटीन थाउजेंड थ्री एटी के ऊपर जाता है मार्केट बट देन ट्रेंडिंग आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अनलेस नाइनटीन थाउजेंड फोर फिफ्टी ब्रेक्स बुलिशनेस ओके नाउ बैंक निफ्टी के लिए अगेन द सिनेरियो रिमेंस द सेम लेट्स हाउ वी ओपन टुमारो बिकॉज कल काफी ओपनिंग पे डिपेंड करेगा कि कैसे अपन खुलते हैं अकॉर्डिंग विल हैव टू टेक अ ट्रेड बट देन यू गाइज नो लेवल्स नाउ ठीक है एंड यू गाइज नो हाउ दीज लेवल्स आर वर्किंग और नॉट वर्किंग तो यू गाइज कैन बेस्ट जज ऑफ इट ठीक है फिन निफ्टी का भी मैंने बता दिया आई थिंक और कुछ बचानी है फिन मिड कैप निफ्टी की बात कर लेते हैं मिड कैप निफ्टी एज बीन यू नो कि मेरे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है तो मिड कैप निफ्टी आर क्लियर एक्सपेक्टेशन वॉज कि यहाँ से एक डाउनफॉल देखने मिल सकता है हमको अगर आर्ली चार्ट मैंने ये शेयर किया था इफ इफ यू गाइस डू नॉट नो ये एक सेल ऑफ आ गया था वी वर एक्सपेक्टिंग कि एक राइज आएगा यहाँ तक एंड एक अच्छा सेल ऑफ फिर से आ सकता है मार्केट में बट आज के गैप अपने कन्फर्म कर दिया कि मिड मिड कैप निफ्टी को शॉर्ट करना इज नॉट अ सेंसिबल थिंग टू डू ठीक है मिड कैप निफ्टी अगर आप शॉर्ट कर रहे हो भी आप कर सकते हो अगर आपको थ्रिल है तो आप कर सकते हो बट हमारे लिए दिस इंडेक्स इज नॉट अ गुड शॉर्ट बहुत लोग बोलेंगे कि सबसे ज्यादा गिरेगा तो यही गिरेगा तो चार्ट्स में बन जाने दो इंडिकेशन की ये सबसे ज्यादा गिरने वाला है तब हम लोग देख लेंगे फिलहाल के लिए जो स्ट्रांग है उसको हम लोग टच नहीं करेंगे बिकॉज देखो टेक्निकल एनालिसिस में एक रूल है बहुत जन ये मिस करते हैं बहुत रिटेल ये सोचता है कि इतना बढ़ गया है तो और नहीं बढ़ेगा दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दैट कि वाई योर रॉन्ग इतना बढ़ गया है और नहीं बढ़ेगा आपको नहीं पता स्ट्रांग विल कीप गेटिंग स्ट्रांगर टेक्निकल एनालिसिस का एक बेसिक रूल है ठीक है तो कोई इंडेक्स अगर या कोई भी स्टॉक अगर बहुत बढ़ गया है तो रिटेल नॉर्मली यही सोचता है कि अभी इतना बढ़ गया है और नहीं बढ़ेगा चलो शॉर्ट कर देते हैं बिना कुछ देखे ठीक है दैट इज़ वेन दे गो रॉन्ग देखो अगर यहाँ पे हम लोग ने शॉर्ट कर दिया, हम लोग ने किया नहीं बट यहाँ पे अगर शॉर्ट कर दिया रहता देन हम लोग फर्स्ट जाते बिकॉज इतना बड़ा गैप अप और गैप अप कंटिन्यू भी हुआ मार्केट में ओके तो अगर आपको शॉर्ट करना है मिड कैप निफ्टी आप कर सकते हो आपका रिस्क है फिलहाल के लिए वी वुड वी वुड नॉट रिकमेंडेड अनलेस वी स्टार्ट यू नो एटलीस्ट अगर एटी सेवन थाउजेंड के नीचे अगर ट्रेड करना जब तक चालू ना करे तब तक हम लोग इसको शॉर्ट नहीं करेंगे ओके okay? एक बार चार्ट सिग्नल बन जाने दो क्यों यू you नो know, बे फालतू का रिस्क लेना है आपको ठीक है uh, ये हुई नि, निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी एनलिस्ट बहुत सारे एनलिस्ट बहुत सारे इंडाइसिस हो रहे हैं अभी धीरे धीरे सेंसेक्स भी आने वाला है अभी It, it, uh, मतलब मार्केट भी वीडियोज अभी काफी लेंदी हो रहे हैं ओके वन मोर थिंग आई थिंक आई नीड टू एड्रेस दिस देखो बहुत सारी नेगेटिविटी चल रही है नेगेटिविटी uh, नहीं रियलिटी है ठीक है इट इज़ वेरी कॉमन देखो आई थिंक एट चार्टियंस वी ऑलवेज शेयर दिस वन थिंग कि वी आर अगेंस्ट एम टू एम्स वी हैव नॉट लियोर्ड यू गाइज यू नो विद एम टू एम्स और समथिंग हमने वो टेन के टू इलेवन लैक्स का वीडियो बनाया वो भी अभी हम लोग सोच रहे क्यों बनाया बिकॉज दैट माइट यू नो गिव यू द रोंग आइडिया कि आप भी ऐसा कर सकते हो बट वो वीडियो अगर आप पूरा देखोगे दैन वी एव क्लियरली मैंशन दैट दिस इज वॉट हैपन्स वैन यू रिमेन इन द ट्रेडिंग गेम फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम आई बिन ऑलवेज टेलिंग यू वन थिंग ठीक है फर्स्ट इज वी डो नॉट यूज एनी इंडिकेटर्स जो भी हमारा ट्रेडिंग होता है वो प्राइज एक्शन पे होता है प्राइज एक्शन इज समथिंग दैट यू कैनॉट लर्न इन अ कोर्स इन वन और टू ईयर्स ठीक है ये जो लाइन्स जो मैं ड्रॉ करता हूँ ये यस yes, आपको ईजी लगता है अभी मेरे लिए ये ईजी हो गया है वाई बिकॉज मैंने ये प्राइस को डे इन एंड डे आउट मैंने हमारे आईज को मेरे आइज को यूज टू कर दिया है बाई सींग दिस प्राइज या सीइंग दिस चार्ट एवरी डे डे इन एंड डे आउट सो जब तक प्राइज एक्शन इज समथिंग दैट यू कैनॉट लर्न ठीक है कोई भी अगर आपको बोल रहा है कि आप एक, एक साल दो एक साल नहीं सॉरी एक दो महीने में अगर आप प्राइज एक्शन yes, सीख सकते हो दैट इज अ वेरी रॉन्ग थिंग आप मे बी येस आप कॉन्सेप्ट सीख सकते हो प्राइज एक्शन बट जब तक आप खुद उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे आपके चार्ट्स पर यू कैनॉट बी वेल वर्स्ड विथ दैट ठीक है सो एल बी वेरी क्लियर और मैंने आई थिंक स्टार्ट से बोला है कि इन दिस मार्केट इफ यू वॉन्ट टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर यू हैव टू ग्रो ओल्ड इन द मार्केट मतलब आपको मार्केट्स को टाइम देना पड़ेगा ठीक है वंस यू हैव स्पेंड अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम इन द मार्केट्स मार्केट्स ऑटोमेटिकली आपको चीजें सिखाएगी ठीक है अगर आप अभी आपको एटलीस्ट एक दो साल आई एम अज्यूमिंग की मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर्स आर न्यू ओवर हुआ अगर आपको एक दो साल हुआ है मार्केट्स में आपको भी पता है अभी कि कैसे आप पहले ट्रेडिंग करे थे और कैसे धीरे धीरे आपने छोटे छोटे चीजें सीखी है मार्केट में ओके okay, तो टाइम स्पेंड करो फॉर मी इफ यू गाइस आस्क मी पर्सनली आपको एटलीस्ट मार्केट्स में तीन से चार साल स्पेंड करने पड़ेंगे अगर आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस ये मार्केट में ठीक है और वो तीन चार साल में आपका मेन ऑब्जेक्टिव हमेशा रहना चाहिए कि मेरा कैपिटल प्रोटेक्शन हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी रहना चाहिए क्यों मैं बोल रहा हूं आपको सिंपल रीजन है क्योंकि वंस यू स्टार्ट ग्रोइंग ओल्ड इन द मार्केट मार्केट्स विल ऑटोमेटिकली टीच यू थिंग्स ना अगर आप चार पाँच साल मार्केट में स्पेंड कर लिए हो और आपको एक्सपीरियंस गेन हो गया आपको पता है कि अब ये अगर पैटर्न बनता है तो क्या होता है और अगर चार पाँच साल में आपके पास कैपिटल बचा ही नहीं अपना एक्सपीरियंस यूज करने के लिए फिर कुछ फ़ायदा नहीं है ठीक है That is the reason, grow old in the market, do not be influenced by M2Ms. At Chartians, we have not shared our M2Ms any time. हम लोग कभी-कभी करेंगे तो भी अपना trade log share करते हो, आप खुद count करके बता सकते हो, जो भी है आपका हमारा profit. But we have always shared our trade logs. We have never shared, you know, M2Ms because वो हमारा intention है ही नहीं. आपको सीखना है, आप सीख सकते हो. But we are being very honest and transparent about this. ठीक है? That's it, guys. Focus on what

ठीक है इंडिकेटर्स आर दैट इंडिकेटर्स आर जस्ट दैट ओके यू हैव टू धीरे धीरे वो पहियों को आपको लूज करना है यू हैव टू लूज दोज ट्रेडिंग व्हील्स एंड फोकस ऑन प्राइस बिकॉज प्राइस इज समथिंग दैट यू नो एक बार आपने उस पर हासिल महारत हासिल कर दी यू कैन बी अ गुड यू कैन बिकम अ गुड प्रॉफिटेबल ट्रेडर बिकॉज मेनी मैनी ट्रेडर्स आउट दे आप बहुत बड़े ट्रेडर्स को देख लो जो भी है दे यूज प्राइज एक्शन टू अ गुड इफेक्ट ठीक है दैट्स इज आई वॉन्ट टू एंडेड ऑन अ गुड नोट ठीक है डू नॉट वॉन्ट टू यू नो डिस्करेज यूर समथिंग बट दिस इज द रियलिटी ऑफ मार्केट आप एक दो साल में प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हो मार्केट्स में आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा मार्केट्स में आपको मेहनत करनी पड़ेगी तब आपको मार्केट रिवॉर्ड करेगी ठीक है दैट्स इट फॉर द मार्केट वीडियो गाइज लाइक दिस वीडियो बिगाज लाइक दिस वीडियो प्लीज इैट लाइक बटन शेयर इट विद यर फ्रेंड्स दिस इज मी मनु साइनिंग ऑफ टेक केयर एंड प्लीज ट्रेड रिस्पॉन्सिबली हैवन बाई